Good morning, today is 11th of July 2018 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पहला आर्टिकल यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में है. डिटेल से इस इशू पे हम चर्चा करेंगे, कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा. नीचे ये आर्टिकल यूके की पॉलिटिक्स के बारे में है. ब्रेग्जिट के मुद्दे पर अभी यूके की पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे. बीच में ये जो आर्टिकल है वो पाकिस्तान के बारे में है. देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है, ऐसी संभावना तो ना के बराबर है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है. अभी हाल ही में पाकिस्तान की एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने नवाज शरीफ को करप्शन के एक मामले में दोषी ठहराया था और उनको 10 साल की सजा सुनाई थी. 25 जुलाई को इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले हैं पाकिस्तान में. राइटर कहते हैं कि देखो 25 जुलाई को जो इलेक्शंस कंडक्ट होंगे उसके बाद जो नतीजे आएंगे उन नतीजों से कुछ भी चेंज नहीं होगा पाकिस्तान में. पाकिस्तान में जो असली पावर है वो मिलिट्री के पास रहेगी और जुडिशरी के पास रहेगी. मिलिट्री यह कहकर पावर लेती रहेगी फ्यूचर में भी, पाकिस्तान में भी, कि पॉलिटिशियंस जो हैं पाकिस्तान के वो करप्ट हैं और इनकॉम्पिटेंट हैं. और जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी यह कहते रहेंगे कि देखो मिलिट्री हमें पावर दे नहीं रही है, इनविजिबल गवर्नमेंट काम कर रही है, तो कैसे हम काम करें. लेकिन मिलिट्री और जुडिशरी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे जो कि पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि मिलिट्री और जुडिशरी को उनसे फायदा होगा. इवन पॉलिटिशियंस भी जो इन एक्सट्रीमिस्ट से फायदा उठाने की सोचते हैं वो भी इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे. और इवन ये उम्मीद करना भी गलत है कि 25 जुलाई को जो इलेक्शंस कंडक्ट होंगे पाकिस्तान में, नई सरकार जो चुनी जाएगी वो पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आएगी और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी. नहीं, ये चीजें पॉसिबल नहीं है. देखो पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने नवाज शरीफ को दोषी ठहराया. नवाज शरीफ करप्ट है या नहीं इस बात पर एक डिबेट हो सकती है, लेकिन इस बात में कतई संदेह नहीं है कि जो ट्रायल चला उनके खिलाफ उस ट्रायल में काफी सारी कमियां थी. पहले उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और बाद में उनके खिलाफ ट्रायल चला. तो मतलब साफ है पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की मिलिट्री नहीं चाहती कि नवाज शरीफ सत्ता में रहें. नवाज शरीफ को पाकिस्तान की मिलिट्री ही पॉलिटिक्स में लेके आई थी. उस समय बेनजीर भुट्टो को करप्ट ठहराया गया था पाकिस्तान की मिलिट्री के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा, और नवाज शरीफ को लाया गया था पॉलिटिक्स में मिलिट्री के द्वारा. लेकिन आज के समय में इमरान खान को सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की जुडिशरी, लेकिन नवाज शरीफ को करप्ट ठहराया जा रहा है. पाकिस्तान में देखो नरेटिव इस प्रकार का प्रिपेयर हो गया है कि पाकिस्तान की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके पीछे करप्शन जिम्मेदार हैं, लेकिन ये नरेटिव गलत है. पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को तवज्जो दी जाती है, डेमोक्रेसी ठीक से काम नहीं करती, वहां पे जो जुडिशरी है वो अपने आप को जुडिशरी से ज्यादा पॉलिसी मेकर समझती है, और पाकिस्तान की मिलिट्री के पास कितनी पावर है आपको पता है. ये सारी प्रॉब्लम्स दोषी हैं पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ करप्शन को दोषी ठहराया जाता है. ऐसा माना जाता है कि सिर्फ करप्शन दूर हो गया पाकिस्तान से तो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी. करप्शन तो देखो चाइना में भी है और बहुत सारे देशों में है, लेकिन जिन प्रॉब्लम से आज पाकिस्तान सफर कर रहा है, चाइना जैसे देश तो उन प्रॉब्लम से सफर नहीं कर रहे हैं. और करप्शन पे बार बार फोकस करने से पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो और ज़्यादा खराब होती हैं. जैसे बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, लेकिन उनके लाइसेंस को बाद में पाकिस्तान की सरकार के द्वारा कैंसिल कर दिया गया करप्शन के इशू पर. और वो कंपनीज बाद में इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर के पास गई और जाकर बोली कि देखो पाकिस्तान ने हमारे लाइसेंस को कैंसिल किया, एग्रीमेंट का उल्लंघन किया, हमें कंपनसेशन चाहिए पाकिस्तान से. और पाकिस्तान को भारी भरकम कंपनसेशन देनी भी पड़ी उन इंटरनेशनल कंपनीज को. तो करप्शन के नैरेटिव से पाकिस्तान को नुकसान ज़्यादा हुआ है, फायदा कम हुआ है. पाकिस्तान से देखो एक्सपोर्ट बहुत कम होता है, उसके लिए तो करप्शन जिम्मेदार नहीं है. वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, स्किल्स नहीं है, ह्यूमन कैपिटल डेवलप नहीं है. तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं इस आर्टिकल में. डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएगा, लेकिन इन पॉइंट्स को कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल कर सकते हो. नीचे का ये जो आर्टिकल है ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल से डिस्कस करेंगे. दूसरे पेज पे ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, यूके इमिग्रेशन के बारे में है. लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीम किया जाना चाहिए या फिर नहीं. चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. एक सेकंड, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोर्ट भी आप देख लीजिए. अटल बिहारी वाजपेयी साहब का ये कोर्ट है, यू कैन चेंज फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स. नेबरहुड रिलेशंस की जब भी बात आए तो आप इस कोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो. आप अपने
दोस्तों को चेंज कर सकते हो लेकिन आप अपने पड़ोसियों को चेंज नहीं कर सकते। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी था, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी रहेगा और नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने पे इंडिया को काम करना ही होगा। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में है। आप इस आर्टिकल को GS पेपर 2 के इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी UNHRC को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा दूसरी सिमिलर बॉडीज से, जैसे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमेटी, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स या फिर ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स और सबसे लास्ट में द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ये सब बॉडीज अलग हैं लेकिन जो शॉर्ट फॉर्म है सिमिलर है। UNHRC अलग है। कंटेक्स्ट ये है कि USA ने कुछ दिनों पहले घोषणा की थी कि वो अब मेंबर नहीं रहेंगे UNHRC के। USA ने आरोप लगाया था ये जो बॉडी है वो इसराइल पर ज़्यादा फोकस करती है, इस बॉडी में जो रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं वो इसराइल के अगेंस्ट ज़्यादा किए जाते हैं। मतलब एक डेटा भी है कि आधे से ज़्यादा जो रेजोल्यूशंस पास हुए हैं इस काउंसिल में वो इसराइल के अगेंस्ट ही हुए हैं। बार बार आरोप लगता है इसराइल पे कि पैलेस्टीन के लोगों के खिलाफ काफ़ी अत्याचार किए जाते हैं इसराइल के द्वारा और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। इस बॉडी के बारे में हम थोड़ी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें। UNHRC में मेंबर्स की संख्या है 47। रीजनल बेसिस पे मेंबर्स को शामिल किया जाता है UNHRC में। 38th सेशन 18 जून को स्टार्ट हुआ था और 7 जुलाई को ख़त्म हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इस्टैब्लिश किया गया था UNHRC को 15 मार्च 2006 को। उस समय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था और UNHRC का निर्माण किया गया था। अब देखो 2006 से पहले विभिन्न देशों में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और ह्यूमन राइट्स इशू को एड्रेस करने के लिए जो बॉडी थी उसका नाम था यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, लेकिन इस बॉडी को डिसॉल्व कर दिया गया था 2006 में और इसी की जगह आया था यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। लेकिन इशू ये उठता है कि पहले वाली जो ह्यूमन राइट्स की बॉडी थी उसे क्यों ख़त्म कर दिया गया? क्योंकि उस बॉडी पर आरोप ये लगते थे कि ऐसे देश जिनमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे ऐसे देश मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के। और यही आरोप अब नई बॉडी पे भी लगता है जिससे USA ने विड्रा कर लिया है। पाकिस्तान, चाइना, रशिया, वेनेजुएला, ऐसे ऐसे देश मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के। आप बताइए, ऐसे देश जहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन सबसे ज़्यादा होता है, ऐसे देश अगर मेंबर होंगे और वो दूसरे देशों को ह्यूमन राइट्स के बारे में बताएंगे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्मी होगी। तो इस प्रकार के क्रिटिसिज्म हैं जिनके कारण USA ने अब इस काउंसिल को छोड़ दिया है। USA के बाद कुछ और देश भी अब इस काउंसिल को छोड़ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया। इंडिया भी कहता है कि पाकिस्तान जैसे देशों को इस काउंसिल का मेंबर नहीं होना चाहिए। राइटर का व्यू थोड़ा अलग है। राइटर कहती हैं कि देखो, हमें इस काउंसिल के काम को समझने की आवश्यकता है। इस काउंसिल का काम यह है कि विभिन्न देशों में ह्यूमन राइट्स वायलेशन को इन्वेस्टिगेट करना और ह्यूमन राइट्स इश्यूज को एड्रेस करना, फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जैसे LGBT राइट्स, इन सब इश्यूज को एड्रेस करना काम है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का। ये काउंसिल एक प्लेटफॉर्म का काम करती है। इस प्लेटफॉर्म की सहायता से एक स्टेट दूसरे स्टेट के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को रिव्यू कर सकता है और समय समय पर यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू भी होता है। अब तीसरा साइकिल करंट में चल रहा है यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू का, 2017 से स्टार्ट होकर 2021 तक चलेगा और इस यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू में यूनाइटेड नेशंस के सभी मेंबर स्टेट्स का जो रिकॉर्ड रहा है ह्यूमन राइट्स के मामले में उसे एनालाइज किया जाएगा, उसकी रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी सभी स्टेट्स के बारे में। और कोई भी स्टेट को एग्जम्प्ट नहीं किया गया है यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू प्रोसेस से। इवन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके बारे में भी ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड पब्लिक में रखा जाएगा कि वहां पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो किस प्रकार से होता है। ये बात देखो बिल्कुल सही है कि इस प्लेटफॉर्म को कुछ देश अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिक्स को एक लेवल के बाद ज़्यादा अवॉइड किया भी नहीं जा सकता। लेकिन पूरी काउंसिल को सिर्फ इसलिए इग्नोर कर देना कि ये एक पार्टीशन थिएटर है, यहाँ पर सिर्फ पार्टीशन होता है और कुछ देश के अंदर ही अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है तो उसको हाईलाइट किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे देश जहां पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बहुत ज्यादा होता है उसे हाईलाइट नहीं किया जाता। ये तो ओवर सिंप्लीफिकेशन वाली बात हो जाएगी, लेकिन इससे पूरी पिक्चर का पता नहीं लगता। तो हम पूरी पिक्चर जानने की कोशिश करते हैं। राइटर के हिसाब से पूरी पिक्चर है क्या इस काउंसिल की?
राइटर कहती हैं कि यूएनएचआरसी ने यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने ह्यूमन राइट्स को इवोल्व करने का काम किया है। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे विभिन्न स्टेट्स एक दूसरे के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को एनालाइज करते हैं और जो रेजुलेशंस आते हैं उनसे देखो प्रेशर क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल सीरिया में ह्यूमन राइट्स से संबंधित कोई रेजुलेशन आया, येमन में, म्यांमार में, नॉर्थ कोरिया में, तो इन देशों पर प्रेशर क्रिएट होता है और इंटरनेशनल प्रेशर जब क्रिएट होता है तो ये देश मजबूर होते हैं कुछ ना कुछ एक्ट करने के लिए। अगर एक्ट नहीं भी किया जाता इन देशों के द्वारा, कम से कम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हमने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं किया है, तो एक डेटरेंस क्रिएट होती है और ज्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करने से बचते हैं ऐसे देश। अगर ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रेजुलेशन आता है इन देशों में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में, बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो कॉन्ट्रोवर्शियल हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है ह्यूमन राइट्स काउंसिल के द्वारा, जैसे एलजीबीटी का इशू हो या फिर धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन का इशू हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरनेशनल ट्रीटी से संबंधित। देखो बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज आती हैं ह्यूमन राइट्स से संबंधित और पास्ट में उन ह्यूमन राइट्स से संबंधित इंटरनेशनल ट्रीटीज को विभिन्न देशों के द्वारा साइन किया गया है। तो ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो एक प्लेटफॉर्म का काम करती है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज जिनको साइन किया गया है विभिन्न देशों के द्वारा, उन विभिन्न देशों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है इंटरनेशनल ट्रीटीज को इंप्लीमेंट करने में। इस काउंसिल का एक मुख्य काम ये भी है अगर किसी देश में जीनोसाइड होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट होती है, टॉर्चर होता है कुछ लोगों के साथ, तो इस काउंसिल के द्वारा स्पेशल रिपोर्टर्स की घोषणा भी की जाती है, यानी कुछ पर्सन्स को भेजा जाता है उस देश में जहां ये सब घटनाएं हो रही हैं, वो वहां पे जाएं, फैक्ट्स को फाइंड करें आखिरकार उस देश में चल क्या रहा है, तो उस देश पे प्रेशर क्रिएट होता है और वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले काफी बार सोचते हैं। तो बहुत से काम हैं इस काउंसिल के। अगर देखो किसी भी देश को ऐसा लगता है कि ये काउंसिल ठीक से काम नहीं कर पाती और पक्षपाती रवैया अपनाती है अपनी वर्किंग में, तो रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं सर्वसहमति से यानी कंसेंसस से, लेकिन इस काउंसिल को छोड़ देना सॉल्यूशन कतई नहीं है। इससे ना सिर्फ उस देश को नुकसान होता है बल्कि इंडिविजुअल राइट्स को भी नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल अभी आप यूएसए की बात कर लीजिए, यूएसए इस काउंसिल से बाहर निकल गया है। अब इस काउंसिल में जो कुछ भी चलेगा यूएसए इस काउंसिल की वर्किंग को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा। अगर यूएसए इस काउंसिल के अंदर रह के रिफॉर्म्स की बात करता तो ज्यादा अच्छा होता। इंडिविजुअल राइट्स किस प्रकार से प्रभावित होंगे, मान लीजिए कल को यूएसए में ही ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, इस काउंसिल के द्वारा बोला जाएगा कि देखो यूएसए में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन यूएसए इस काउंसिल को यह कह के इग्नोर करेगा, देखिए हम तो इसके मेंबर भी नहीं हैं और ये जो काउंसिल बोल रही है वो गलत है, हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, जानबूझ के बोल रही है क्योंकि हम मेंबर नहीं हैं इस काउंसिल के। अब देखो यूएसए ने तो इस काउंसिल को छोड़ दिया है, लेकिन बाकी देशों को जैसे इंडिया को इस काउंसिल को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि यूएसए पिछले काफ़ी समय से मल्टीलेटरलिज्म को इग्नोर कर रहा है, चाहे वो पेरिस क्लाइमेट चेंज हो, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप हो, WTO हो, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको इग्नोर किया गया है यूएसए के द्वारा और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए यूएसए अब इस काउंसिल से बाहर निकल गया है। लेकिन बाकी देशों को अपने विवेक से काम करते हुए इस काउंसिल से बाहर नहीं निकलना चाहिए और इस काउंसिल में रहकर ही रिफॉर्म्स की बात करनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया यूएनएचआरसी यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में। अगला आर्टिकल साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस मतलब सभी स्टेट्स और जनरल इलेक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस एक ही साथ हो एक ही समय। GS पेपर 2 के इस टॉपिक में कवर होगा ये आर्टिकल। पहले हम प्लस की बात करते हैं यानी क्या फायदे होंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन से, पैसों की बचत होगी। अभी देखो सभी स्टेट्स के अलग अलग इलेक्शन होते हैं और जनरल इलेक्शंस भी अलग होते हैं, तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट हो जाता है इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने में। अगर सभी इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट होंगे तो काफी सारे पैसों की बचत हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आता है करप्शन ब्लैक मनी जनरेशन का। इलेक्शन में बहुत सारा ब्लैक मनी आता है कैंपेनिंग के लिए, एक ही बार इलेक्शन होंगे तो ब्लैक मनी कम जनरेट होगा इलेक्शंस में कैंपेनिंग के लिए। उसके बाद पॉइंट आता है गवर्नेंस MCC। बार बार देखो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट होती है तो जो गवर्नेंस है वो बाधित होती है, जो प्रोजेक्ट्स है वो आगे नहीं जा पाते, तो ये भी एडवांटेज होगा अगर एक ही बार में सारे इलेक्शंस कंडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद पॉइंट आता है सोशल फैब्रिक का। इलेक्शंस जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं, सोशल फैब्रिक को भी खराब करने की कोशिश करते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे समाज को बांटने की कोशिश की जाती है। बार बार इलेक्शंस होते हैं तो समाज बढ़ता ही जाता है,
एक बार इलेक्शंस होंगे, अगर प्रैक्टिकल हम बात करें तो एक ही बार कोशिश की जाएगी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इलेक्शंस जीतने के लिए, समाज को बांटने की। उसकी 5 साल तक गवर्नेंस चलती रहेगी, समाज भी ठीक तरह से चलता रहेगा, तो यह भी फायदा होगा, सोशल फैब्रिक अच्छे से बना रहेगा। उसके बाद बारी आती है टीचर्स सिक्योरिटी फोर्सेस की। देखो जब भी इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं टीचर्स को रखा जाता है इलेक्शन ड्यूटी पे, डेपुटेशन पे, और सिक्योरिटी फोर्सेस भी काम करती हैं इलेक्शन ड्यूटी में। तो ये भी जो काम है टीचर्स का या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस का, वो अपने मूल काम से भटक के इलेक्शन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो इससे भी नुकसान होता है। तो इसीलिए एक बार इलेक्शन होंगे तो टीचर्स को सिर्फ एक बार ड्यूटी देनी पड़ेगी और सिक्योरिटी फोर्सेस को सिर्फ एक बार ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ये सारे हमने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस किए जो साइमल्टेनियस इलेक्शन से हो सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो देखो यही है, वोटर अवेयरनेस। अगर स्टेट और सेंट्रल के इलेक्शंस एक साथ होंगे तो नेशनल इश्यूज ज्यादा हावी हो जाएंगे, लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे लोकल इश्यूज पे। लोकल इश्यूज हावी होने चाहिए स्टेट इलेक्शंस में, वोटर को ज्यादा अवेयरनेस होगी नहीं, तो सेम इश्यूज को ध्यान में रख के वोटर वोट देगा स्टेट इलेक्शंस में भी और सेंट्रल इलेक्शंस में भी। तो ये सबसे पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा अकाउंटेबिलिटी। अभी देखो गरीब लोगों के पास सबसे बड़ा जो हथियार है वो वोट का हथियार है। लेजिस्लेचर्स सिलेक्ट होने के बाद अगर कोई पर्सन एमपी या एमएलए बनता है तो सिलेक्ट होने के बाद 5 सालों तक जाता नहीं है जनता के बीच में। अगर बार बार इलेक्शंस होते रहते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज जनता के बीच आती रहती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होती रहती है। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज है अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं तो इससे स्टेट गवर्नमेंट्स को काफी नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर में सरकार गिर जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो इलेक्शंस कंडक्ट करवाने होंगे सभी स्टेट्स के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही, तो फिर इसमें स्टेट्स की क्या गलती है? वहां पे तो सरकार नहीं गिरी ना, वहां पे तो सरकार को पूरा मौका देना चाहिए कि 5 साल वहां पे सरकार चले, लेकिन नहीं, सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार गिर गई है इसलिए सभी इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही, तो स्टेट्स को डिसएडवांटेज हो जाएगा इससे, और नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो कंसेप्ट है वो भी चला जाएगा। उसके बाद पॉइंट आता है पर्सनैलिटी टाइप इलेक्शंस का। अगर देखो साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं तो पूरा इलेक्शंस पर्सनैलिटी टाइप हो जाएगा, जैसे अभी राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच इलेक्शंस पूरा का पूरा केंद्रित हो जाएगा। जो हमने पहले वाला पॉइंट डिस्कस किया उसके साथ आप इस पॉइंट को रिलेट कर सकते हो। लोकल जो इश्यूज हैं वो हावी नहीं होंगे, पूरे दो पर्सनैलिटीज पे पूरा इलेक्शन बेस हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है नो रूलिंग पार्टी। हाँ, चैलेंजेस भी बहुत हैं। देखो अभी कौन सी रूलिंग पार्टी ये मानेगी कि हमारा जो टर्म है उसे कम कर दिया जाए साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए? कोई भी रूलिंग पार्टी नहीं मानेगी। लॉजिस्टिक चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। अभी देखो सिक्योरिटी फोर्सेस इतने नहीं होते, इसीलिए फेसेस में हम इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं। जैसे यूपी के इलेक्शंस 7 फेसेस में कंडक्ट करवाए गए थे। अगर सभी स्टेट्स के लोकसभा के साथ इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे तो इतना हमारे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम सभी इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट करवा सकें। AY कुरैशी जो पूर्व में इलेक्शन कमिश्नर थे वो कहते हैं कि देखो अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं तो फायदा तो इससे काफी होगा, लेकिन पॉलिटिकल कंसेंसस बनानी जरूरी है। ये बहुत मुश्किल है पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ आना चाहिए ताकि इस इश्यू पर चर्चा की जा सके। साइमल्टेनियस इलेक्शंस अगर कंडक्ट होते हैं तो ये हमारे देश के हित में है, और इसके बाद स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन के कंसेप्ट को भी कंसिडर किया जा सकता है। तो ये तो देखो हमने पूरा बैकग्राउंड डिस्कस किया साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में, लेकिन अभी साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मुद्दा फिर से हाईलाइट क्यों हुआ? ला कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, और इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वाइट किया गया और उनसे पूछा गया कि आपकी राय क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शंस के इशू पर। तो देखो 9 पॉलिटिकल पार्टीज ने साइमल्टेनियस इलेक्शंस का विरोध किया, लेकिन 4 पॉलिटिकल पार्टीज ने साइमल्टेनियस इलेक्शंस का समर्थन किया। कांग्रेस ने विरोध किया, बीजेपी ने कहा कि हमें और समय चाहिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस के इशू को और ज़्यादा एनालाइज करने के लिए, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ही इस इशू को बहुत ज़्यादा एंकरेज कर रहे हैं तो ये साफ है कि बीजेपी समर्थन ही करेगी साइमल्टेनियस इलेक्शंस के इशू का। ला कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ सुझाव भी दिए गए, जैसा पहले हमने डिस्कस किया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस को इंप्लीमेंट करने में। तो ला कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया कि कैसे साइमल्टेनियस इलेक्शंस को इंप्लीमेंट किया जा सकता है हमारे देश में। तो कमीशन का कहना था कि देखो कुछ स्टेट के इलेक्शंस को पहले क्लब कर दिया जाए 2019 में होने वाले लोकसभा इलेक्शंस के साथ। जैसे इस साल के अंत में इलेक्शंस कंडक्ट होने हैं MP में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, और अगले साल महाराष्ट्र और हरियाणा में भी इलेक्शंस कंडक्ट होने हैं अक्टूबर में, लेकिन बीच में इलेक्शंस कंडक्ट होने हैं मई में जनरल इलेक्शंस यानी लोकसभा इलेक्शंस। तो कुछ स्टेट के इलेक्शंस को क्लब कर दिया जाए जनरल इलेक्शंस के साथ, और बाकी जो स्टेट्स बच जाएंगे
जैसे यूपी में अभी अभी इलेक्शन हुए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ, तो यूपी के इलेक्शंस फिर से कंडक्ट नहीं करवाए जा सकते 2019 में। तो देखो दो ऑप्शंस हैं उन स्टेट्स के लिए, या तो उन स्टेट्स के इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएं 2024 में जब लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, या फिर 30 महीनों के बाद बाकी बचे हुए स्टेट्स के इलेक्शंस कंडक्ट करवा लिए जाएं। तो ये एक सॉल्यूशन है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इसमें क्या होता है, अपोजिशन के द्वारा लाया गया नो वोट कॉन्फिडेंस तभी पास होगा अगर अपोजिशन कुछ अल्टरनेटिव भी रखती है, यानी अगर रूलिंग सरकार गिरती है तो बाद में सरकार किसकी बनेगी, ऐसा अल्टरनेटिव अपोजिशन के द्वारा रखा जाएगा तभी नो वोट कॉन्फिडेंस पास होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हरियाणा में साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं 2019 में लोकसभा इलेक्शंस के साथ ही, और सरकार बनती है ए पार्टी की। सरकार एक साल तक अच्छा काम करती है, लेकिन बाद में 2020 में ए पार्टी के अगेंस्ट बी पार्टी और सी पार्टी मिलके नो वोट कॉन्फिडेंस लेके आती है विधानसभा में और बोलती है कि ए पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, या तो ए पार्टी अपनी मेजोरिटी साबित करे अदरवाइज सत्ता से बेदखल हो जाए ए पार्टी। लेकिन इसके साथ साथ बी और सी पार्टी को मेजोरिटी शो भी करनी होगी, बी और सी पार्टी को शो करना होगा कि हम सरकार बना पाने में सक्षम हैं, तभी वो नो वोट कॉन्फिडेंस पास हो पाएगा, अदरवाइज नो वोट कॉन्फिडेंस ए पार्टी के अगेंस्ट पास नहीं हो पाएगा। ऐसा रूल जर्मनी में है। एक और सॉल्यूशन जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है वो ये है, मान लीजिए 2019 में साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनके इलेक्शंस लोकसभा इलेक्शंस के साथ ही कंडक्ट होते हैं। हरियाणा में दो साल तक सरकार चलती है लेकिन उसके बाद सरकार गिर जाती है। तो देखो हरियाणा में फिर से इलेक्शंस कंडक्ट होंगे लेकिन 5 साल के लिए नहीं होंगे, सिर्फ 3 साल के लिए होंगे, क्योंकि 2 साल पूरे हो चुके हैं सरकार के और बचे हुए जो 3 साल है उसके लिए फिर से इलेक्शंस कंडक्ट होंगे। तो एक सॉल्यूशन ये भी दिया जा रहा है। लेकिन देखो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है, अगर लोकसभा बीच में डिसॉल्व हो जाती है तो क्या सभी राज्यों की विधानसभाओं को डिसॉल्व किया जाएगा। मान लीजिए 2019 में साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं और कुछ राज्यों के चुनाव साथ ही होते हैं लोकसभा के साथ, लोकसभा एक साल तक ठीक से चलती है लेकिन बाद में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, क्या सभी राज्यों की विधानसभाओं को डिसॉल्व किया जाएगा लोकसभा के साथ ही। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसको अभी तक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एड्रेस नहीं कर पाया है। इसका देखो एक सॉल्यूशन तो वही हो सकता है, मान लीजिए 1 साल काम करने के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो सिर्फ लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट हों, विधानसभाओं को डिसॉल्व ना किया जाए, लेकिन लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट हों सिर्फ 4 साल के लिए, ना कि बचे हुए 5 साल के लिए। अगर 2 साल बाद लोकसभा डिसॉल्व होती है तो 3 साल अगली लोकसभा चलेगी, यानी अगली लोकसभा जो चुनी जाए वो सिर्फ 3 साल के लिए चुनी जाए, ताकि जो सिंक्रोनस है स्टेट इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस के बीच वो सिंक्रोनस मेंटेन रहे। उसके बाद एक सॉल्यूशन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये भी दिया जाता है कि वन टाइम एग्जम्पशन इन द एंटी डिफेक्शन लॉ दिया जाए। जैसे जब इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो कई बार हंग असेंबली आती है, तो उस समय कोई भी पार्टी सरकार बना पाने में सक्षम नहीं होती, तो उस सिचुएशन में विधायकों को यानी MLAs को MPs को छूट दी जाए कि वो किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं तो जाओ, लेकिन उस समय उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। अभी तो आपको पता है, मान लीजिए कोई MP BJP की टिकट पर चुन के आया है तो वो अपने आप से पार्टी नहीं छोड़ सकता, कांग्रेस में या फिर किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता, क्योंकि उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। लेकिन अगर हंग असेंबली आती है तो उस सिचुएशन में MLAs और MPs को एक बार के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ से एग्जम्प्ट कर दिया जाए, ताकि हंग असेंबली जो आई है वो हंग ना रहे और कोई पार्टी सरकार बना पाने में सक्षम हो जाए। लास्ट में देखो कंक्लूजन में ये बोला जाता है, ये सब चीज़ें तो ठीक हैं लेकिन ये सब चीज़ें बिना साइमल्टेनियस इलेक्शंस के भी तो इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। वैसे भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाना हमारे देश में बहुत ज़्यादा जरूरी है, ब्लैक मनी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इलेक्शंस में, मसल पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इस वजह से इन रिफॉर्म्स को लाया जा सकता है बिना साइमल्टेनियस इलेक्शंस के भी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में। अब क्वेश्चन भी देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस इज सर्टेनली डिजायरेबल बट नॉट फिजिबल। देखो अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं तो ये डिजायरेबल चीज़ है, मतलब होने चाहिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट, लेकिन फिजिबल नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इस स्टेटमेंट पे आपको क्रिटिकली कमेंट करना है 250 वर्ड्स में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल जुडिशरी से संबंधित है, GS पेपर 2 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। टॉपिक है क्या सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए या नहीं।
जिस प्रकार से पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज राज्यसभा और लोकसभा की जो प्रोसीडिंग है उसे लाइव दिखाया जाता है लोकसभा चैनल और राज्यसभा चैनल पे, क्या सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को भी लाइव दिखाना चाहिए या नहीं? सबसे पहले हम उन आर्ग्यूमेंट्स की बात करेंगे जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग्स जरूरी है जस्टिस के लिए, क्योंकि जस्टिस सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, जस्टिस होते हुए दिखना भी चाहिए, जनता को भी पता लगे किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कैरी आउट कर रही है। और देखो, जब सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाएगी तो जो इंपॉर्टेंट केसेस होंगे उन्हीं केसेस की स्ट्रीमिंग दिखाई जाएगी, ऐसा नहीं कि कोई फैमिली से संबंधित मामला है, प्राइवेसी से जुड़ा जो मामला है उसे लाइव दिखाया जाए, नहीं। लेकिन जैसे आधार से जुड़े मामला है कोई, या फिर वुमन के सबरीमाला टेम्पल में एंटर करने संबंधित मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कोई मामला है, उन सभी मामलों की जो प्रोसीडिंग है वो तो लाइव दिखाई ही जानी चाहिए। इससे जनता एजुकेट भी होगी, राइट टू इंफॉर्मेशन का पर्पज भी सर्व होगा और परसेप्शन भी सही क्रिएट होगी। देखो, अभी जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के बारे में छपता है न्यूज़पेपर्स में या फिर न्यूज़ चैनल्स जो बताते हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के बारे में, कई तरह के अलग अलग वर्जन्स सामने आते हैं तो डाउट होता है सही क्या है गलत क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा तो इस तरह का कोई भी डाउट नहीं आएगा, एक ही वर्जन आएगा और जनता भी आसानी से पता लगा सकेगी आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है। तो फेक न्यूज जैसी जो चीजें कई बार क्रिएट हो जाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस जज ने ये टिप्पणी की, वो सारी फेक न्यूज जैसी चीजें क्रिएट नहीं होंगी। और विभिन्न देशों में जो एपेक्स कोर्ट्स हैं उनकी प्रोसीडिंग लाइव को लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों में, तो इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को लाइव टेलीकास्ट किया जाना चाहिए। वैसे भी देखो, जुडिशरी डिजिटलाइजेशन पे आजकल फोकस कर रही है, FIR को ऑनलाइन लॉन्च किया जाता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से गवाह जो हैं या फिर जो आरोपी जो हैं उनकी सुनवाई होती है, केसेस संबंधित जो डेटा है उसको भी डिजिटलाइज किया जा रहा है, तो इसीलिए ये भी आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को लाइव स्ट्रीम किया जाए। अब हम उन आर्ग्यूमेंट्स की बात करेंगे जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लाइव नहीं दिखाना चाहिए। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है, जजेस को आप लेजिस्लेचर के साथ इक्वेट नहीं कर सकते, जजेस ना तो अकाउंटेबल है जनता के और ना ही अकाउंटेबल है पार्लियामेंट के। देखो, जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा उस समय कुछ वकील कुछ एडवोकेट अपने आप को एडवर्टाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। जिस प्रकार पार्लियामेंट में लोकसभा या राज्यसभा में जो MPs है वो पब्लिसिटी हासिल करने के लिए जान बच के हल्ला मचाते हैं, तो वकील भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं अपने आप को फेमस बनाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम है जस्टिस कैरी आउट करना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये नहीं देखते कि पब्लिक परसेप्शन किसके साथ है, मीडिया क्या दिखा रही है क्या नहीं दिखा रही, सिर्फ न्याय में विश्वास रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो कई बार उनके फैसले पब्लिक परसेप्शन के अगेंस्ट होते हैं, मीडिया जो चीज दिखा रही है उनके अगेंस्ट में होते हैं। तो अगर देखो ऐसा होता है तो मीडिया और भी ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगेगी इनडायरेक्टली उस जज को जिसने मीडिया परसेप्शन के खिलाफ फैसला दिया है, हालांकि जस्टिस के हिसाब से वो फैसला सही है लेकिन मीडिया के हिसाब से गलत है या फिर पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से गलत है। तो उस जज को जिसने फैसला दिया उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा सकता है, तो जजेस की जो इमेज है वो भी बहुत ज्यादा खराब होगी अगर सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। और लास्ट में एक बात ये बोली जाती है कि देखो, कई बार जजेस केस की सुनवाई करते वक्त कुछ ओरल ऑब्जर्वेशन देते हैं, उनकी जो ओरल ऑब्जर्वेशन होती है वो क्वेश्चंस की फॉर्म में होती है, वकील कुछ आर्ग्यूमेंट रखते हैं और वो ओरल ऑब्जर्वेशन रखते हैं क्वेश्चंस की फॉर्म में, लेकिन इस ओरल ऑब्जर्वेशन का फाइनल वर्डिक्ट से कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अगर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जनता उन ओरल ऑब्जर्वेशन को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगी। और सुप्रीम कोर्ट की देखो प्रोसीडिंग्स ऐसे नहीं कि आम आदमी उसे आसानी से समझ सके, काफी कॉम्प्लेक्स होती है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, टीवी डिबेट्स की तरह नहीं होती, आम जनता को बहुत सारी परेशानी आएगी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स समझते वक्त। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह करना चाहिए कि जो भी प्रोसीडिंग होती है उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाए, अगर कुछ भी गलत होता है, कोई भी जज अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से सुनवाई करता है तो बाद में सबूत के तौर पे वो सारा एविडेंस हो वीडियो की फॉर्म में या फिर ऑडियो की फॉर्म में। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट में कहा कि सभी कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग है उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये डिसीजन बिल्कुल सही है, बजाय इसके कि सारी की सारी जो प्रोसीडिंग है सुप्रीम कोर्ट की उसे लाइव टेलीकास्ट किया जाए। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। अगर सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग को लाइव टेलीकास्ट किया जाता है तो बिल्कुल अच्छी बात है, इससे काफी फायदे होंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग में सुधार लाना है तो और भी कई रिफॉर्म्स लाने होंगे, अकेला सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को लाइव टेलीकास्ट करने से सुप्रीम कोर्ट ठीक से काम नहीं करने लगेगी, और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग में उनको भी
ठीक किया जाना जरूरी है। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है जो आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। क्वेश्चन भी देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग द सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स। आपको मेरिट्स बतानी है और डीमेरिट्स भी बतानी है अगर सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीम किया जाता है तो। और उसके बाद आपको अपनी ओपिनियन बतानी है, आपकी क्या राय है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। मेनली हमने तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस किए। सबसे पहले हमने इशू डिस्कस किया यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में। दूसरे नंबर पे हमने इशू डिस्कस किया साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में। और सबसे लास्ट में हमने इशू डिस्कस किया क्या सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीम किया जाना चाहिए या फिर नहीं। आंसर राइटिंग में पार्टिसिपेट आप जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकते हो और दूसरे एस्पायरेंट्स के आंसर्स को भी पढ़ सकते हो, काफ़ी कुछ सीख सकते हो। onlyice.com पे आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको डिस्कशन की सारी जो PDFs हैं आपके इनबॉक्स में मिल जाएंगी। सो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।